अरे रुकिए भाई रुकिए, ये मैगी नहीं बन रही है, और मैगी से एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी। तो क्या है ये चीज़, चलिए आइए देखते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लगभग 2 मैगी पानी में डाल दिया और इसका बचा हुआ चूरा एक कटोरी में निकाल लिया है। इस मैगी को अच्छे से बॉयल कर लेना है, लेकिन इसको 90% पकाना है। अगर ये 100% पक जाएगी तो ये गल जाएगी और गली गली ये रेसिपी बिल्कुल भी स्वाद नहीं देने वाली है। और ना हम कोई लच्छा बना रहे हैं ना कोई फलूदा बना रहे हैं, ये मैगी से एकदम स्पेशल आज डिश बनके तैयार हो रही है, जिसमें हमें मैगी का इस्तेमाल करना होगा। और मैगी से ऐसी चीज़ बनके तैयार हो सकती है ये आपके मन में बार बार विचार आ रहा होगा, और जब ये आप बनती देखेंगे तो आप कहेंगे चलिए किचन चलते हैं और फटाफट से पहले ये ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ार में इतनी महंगे दामों में मिलती है और घर में इतने सस्ते दामों में कैसे तैयार हो गई है। इसको उबालते वक्त थोड़ा सा नमक डाला है ताकि हल्की सी नमकीन हो जाए इसका स्वाद, और बस ये उबल चुकी है 90%। एकदम मुलायम नहीं करना, 90% पका के इसका फटाफट से गैस बंद कर दीजिए और पानी से निकाल दीजिए ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए, नहीं तो इस गर्म पानी में भी ये थोड़ी और गल जाएगी। तो फटाफट इसका पानी रिंस होने के लिए इसे साइड में रखेंगे। पानी आपको पूरा निकाल लेना है, इसमें बिल्कुल भी ड्रॉपलेट्स ना रहें, उसी से अच्छी रेसिपी बनके तैयार होती है। देख लिया है मैंने, ये पक चुकी है 90%, और अभी इसे एक बर्तन में निकाल रहे हैं। इस बर्तन में इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा होने के बाद इसमें आसानी से हाथ फेरा जाएगा। इस रेसिपी में अभी इसमें हमें हाथ फेरना होगा। हम डाल रहे हैं लगभग 3 से 4 चम्मच सूजी, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर के आसपास। आपने भर के डाला तो 1 चम्मच काफ़ी है, नहीं तो थोड़ा और डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए थोड़े से स्वाद अनुसार मसाले, अगर आप मसाला ठीक ठाक पसंद करते हैं। थोड़ी सी हमने लाल मिर्च डाल दी है इसमें, थोड़ी से नमक डाल दिया है इसमें, और इसमें जो भी आपकी चॉइस के मसाले हैं वो सारे डालने के बाद ना इसे गूंथ लेना है बिल्कुल डो की तरह। थोड़ा सा गर्म है, हल्का सा ठंडा होते ही हम इसे आराम से गूंथ लेंगे और ये आराम से गूंथ भी जाएगा, ज़्यादा समय लेगा भी नहीं। ये देखिए कितना अच्छे से मुलायम है और अच्छे से पक गया। अगर ये ज़्यादा नरम हो जाता तो ये पिच पिच हो जाता थोड़ा सा। और इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा आटा भी डालना पड़ सकता था, इसलिए हमने इसे नहीं डाला, ज़्यादा नरम नहीं होने दिया। अब ये ऐसे अच्छे से डो बनने के बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स को तैयार कर लीजिए। बॉल्स को तैयार करते वक्त थोड़ा सा हाथ में अगर चाहें तो तेल या फिर घी भी लगा सकते हैं। तो ये लीजिए, फटाफट से हम इसकी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। बॉल्स तैयार करने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, झटपट ही तैयार हो जाती हैं। और उसके बाद मैं थोड़ी देर इन बॉल्स को फ्रीज़र में भी रखूँगा, लगभग 5-1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो एक एक करके ढेर सारी बॉल्स ऐसी तैयार कर लेनी है, लेकिन जो हमने मैगी का चूरा बचा के रखा था उस चूरे को ऊपर से बॉल को ऐसे रैप कर लेना है, और उसके बाद इसको हल्का सा गोल गोल फिर घुमा लेना है ताकि जो चूरा है मैगी का वो अच्छे से दब जाए, बॉल में चिपक जाए। तो ऐसी ढेर सारी हमने तैयार कर लेनी है एक एक करके। ये आपके सामने हमने कितनी सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। आज इस मैगी से हम बहुत ही ख़ास रेसिपी बना के तैयार कर रहे हैं, और ये मैगी के पकौड़े भी नहीं हैं दोस्तों। तो एक एक करके हमने ढेर सारी बॉल्स तैयार कर ली। अब फटाफट से हमें ले लेना है एक फ्राई पैन जिसमें हम इसे तलने डाल रहे हैं। तो हमने तल लेनी है, और जैसे ही डीप ब्राउन रेड की हो जाए तो हमें ये मंचूरियन बॉल्स बाहर निकाल लेनी है। मैगी से बाज़ार में मिलने वाले महंगे मंचूरियन सिर्फ 20 रुपये में ही तैयार किए जा रहे हैं, आपके सामने हैं। सिर्फ 2 मैगी लाए थे बाज़ार से और ढेर सारे मंचूरियन एक एक करके तैयार हो जाएंगे, और घर पेट भर के लोग, मेहमान हो घर वाले हो, खा सकते हैं इसे। तो चलिए ये थोड़े से रेड हो गए हैं, फटाफट से अब इन्हें निकाल लेते हैं, बस आधा ही मिनट और ये मंचूरियन पूरे की पूरी तरह अब लाल हो चुके हैं। तो मैं इन्हें निकाल रहा हूँ, और हम इन्हें टिश्यू के पेपर के ऊपर रख रहे हैं ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो बाहर निकल जाए। ऐसे हमने एक एक करके ढेर सारे मंचूरियन निकाल लेने हैं। बस अब क्या है, मंचूरियन की ग्रेवी बनाते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए उसमें, प्याज मोटे कटे हुए, साथ ही में डाल दीजिए उसमें गाजर अगर आपको गाजर पसंद है, थोड़ी शिमला मिर्च डाल दीजिए। बेल पेपर आप पीली और लाल भी डाल सकते हैं, यानी कि लाल और पीली शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं आपको पसंद हो तो। हल्का भूनिएगा, ज़्यादा नहीं। लहसुन का स्वाद चाइनीज़ चीज़ों में होता ही होता है, लेकिन मुझे अदरक भी थोड़ी पसंद है इसलिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहा हूँ, नहीं तो छोटा छोटा कटा हुआ लहसुन भी डाला जा सकता था।
अब इसे बस थोड़ा ही भुनिएगा, ज़्यादा मत भुनिएगा। उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस और सॉसेस डालेंगे। इसमें सोया सॉस डलती है, चिली सॉस डलती है, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस दोनों ही डलती हैं। तो जो आपको मन हो आपको स्वाद अनुसार इसमें डाल दीजिएगा। टोमेटो केचप भी थोड़ी डाली जा सकती है। तो एक एक करके फटाफट से अब इसमें सॉसेस और मसाले डालने शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले डाल रहा है नमक, नमक के साथ जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्ची, बाकी आप स्वाद अनुसार रख सकते हैं थोड़ी काली मिर्च, क्योंकि चाइनीज़ डिश है इसमें ज़्यादा मसाले जाते नहीं हैं। और अब डाल देते हैं इसमें केचप, ये टोमेटो केचप हमने डाली है। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी ग्रीन चिली केचप, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, थोड़ी सी रेड चिली भी इसके बाद हम डालने वाले हैं, और थोड़ी सी डाल दीजिए इसमें सोया सॉस। तो ये मंचूरियन की अच्छी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी आपके सामने। बस आपको सोया सॉस कम लग रही हो तो थोड़ी सी आधा ढक्कन और डाल दीजिएगा। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी, मसाले चले गए सॉसेज चली गई, तो अब इसे अच्छे से पका लेते हैं। गैस को सिम रखिएगा, नहीं तो इसमें धुआं धुआं हो जाता है थोड़ा। अब हमें इसमें लगभग थोड़ा सा पानी और थोड़ा कॉर्नफ्लोर का पानी डालना होगा ताकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो ये पकने देते हैं और कॉर्नफ्लोर की हल्की सी पानी तैयार कर लेते हैं। तो एक कटोरी में एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए अच्छे से मिक्स करके। और जैसे ही ये पानी में जाएगा ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ी जेली सी हो जाएगी। बस मंचूरियन की ग्रेवी कुछ उसी तरीके की होती है, थोड़ी सूपी टाइप, तो ये उसी तरीके से सूपी सूप बन जाएगा। तो ये आपके सामने हम इसको डाल देते हैं, और उसके बाद जो हमने मंचूरियन फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। सोचा था दोस्तों आपने कभी मंचूरियन से, मैगी से मंचूरियन और मंचूरियन की ऐसी ग्रेवी बन जाएगी, देखिए कितनी शानदार है। मुझे ज़रूर लगता है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी, क्योंकि आज हमने मैगी से मंचूरियन बना के तैयार करे हैं। ये मैगी बिल्कुल भी नहीं है, ये है मैगी के मंचूरियन। तो चलिए सारे के सारे डाल के थोड़ा सा दम दिला लेते हैं ताकि थोड़े नरम हो जाए, ग्रेवी में सेट हो जाए। चाहे तो आप इन्हें ढक भी सकते हैं एक दो मिनट के लिए। गैस को आप फटाफट से बस बंद कर दीजिएगा आधे ही मिनट के बाद। थोड़ा सा पानी बढ़ा रहा हूँ, ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, और हल्की सी और भी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें अभी कॉर्नफ्लोर है। तो फाइनली आप देख लीजिए हमारे जो मंचूरियन है कितने स्वादिष्ट बन के तैयार हो गए हैं। या तो खा लीजिए इन्हें नूडल्स के साथ, या फिर खा लीजिए आप इन्हें फ्राइड राइस के साथ, जैसे आपको मन करे। थोड़ा सा मैं ढक रहा हूँ ताकि जो बॉल्स हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए मंचूरियन की, और इनमें अच्छे से ग्रेवी का टेस्ट भी आ जाए, चिलीज़ का और सॉसेस का, और उससे बहुत ही शानदार लगती है। तो ये दोस्तों देखो फाइनली इस पे आप थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन, कच्चा प्याज या फिर धनिया डाल के गार्निश कर दीजिए। आपके मंचूरियन बन चुके हैं। आशा करता हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं चलता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए।